मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 60 विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर चुके हैं। रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सीएम ने कहा कि हितग्राहियों से मुलाकात हुई। आवास के लिए पहले लोगों को महीनों भर चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब एक आवेदन में आवास के लिए अनुज्ञा पत्र मिल रहा है। इस दौरान सीएम ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। वर्गों के लिए बनाया गया है, उन हितग्राहियों से, आम जनता से बातचीत करना, ताकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी जानकारी मिल सके। बहुत सारे साथी हैं जो सुझाव भी देंगे, कहीं योजनाओं में कमी खामी है या लोगों तक, लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी जानकारी भी प्राप्त करना और सुधार करना, ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य। एक तरफ हमारे अधिकारी और एक तरफ हमारी और बचत है, आप सामने में, आप सब हमारी माताएं हैं, बहनों हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग उपस्थित हैं। आप सब से निवेदन के अपने नाम से भी एक बार जोरदार ताली बजा रहे हैं। मुलाकात कार्यक्रम आज पंडरी में आयोजित था और विभिन्न प्रकार के हितग्राही से मुलाकात हुई, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले हो, चाहे मोर जमीन मोर आस, मोर जमीन मोर चिन्हारी, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें घर पहुंच जो सेवाएं मिल रही है उसके बारे में भी, और आवाज बनाने में पहले महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, अब आसानी से एक आवेदन में उन लोगों को आवास के लिए अनुज्ञा पत्र मिल रहा है। तो जो योजनाएं हमने बनाई हैं उसका लाभ सभी हितग्राही ले पा रहे हैं। कुछ अभी जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त किया, ऐसे ही भी युवक युवती से मुलाकात हुई, तो सभी लोगों ने शासकीय योजनाओं का लाभ उठाया है। और साथ ही आप बिजली बिल योजना और उसके बाद बहुत सारे भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम भी हुआ है। कुलदीप जी ने बहुत सारी डिमांड की, उसकी भी मैंने घोषणा